हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मेरा रेस्ट दिन है, सप्ताह का रेस्ट दिन। आज सोमवार है तो आज मेरा रेस्ट है, तो मैं आज आप लोगों के सामने बात करूंगा कंपटीशन से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर, कि एग्ज़ाम आने वाला कौन कौन सा एग्ज़ाम है और अभी कौन कौन सा फॉर्म भरने का डेट है और तैयारी कैसे करें, इन सभी तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस के बारे में। आज 30 तारीख है तो एसएससी का एमटीएस का एग्ज़ाम आज से ही शुरू है और ये 14 नवंबर तक इसका एग्ज़ाम होगा। तो उन सभी भाई के लिए बेस्ट ऑफ लक जो एग्ज़ाम देने वाले हैं एमटीएस का। तो मैं उन लोगों के लिए यह सलाह दूंगा कि आप लोग प्रतिदिन सेट प्रैक्टिस कीजिए। और अभी कुछ कुछ यूट्यूब चैनल वाले होंगे जो एग्ज़ाम रिव्यू बता रहे हैं, जो सबसे भरोसेमंद है उसी पर विश्वास करके एग्ज़ाम रिव्यू देखिएगा कि कौन कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। उन सभी पर आप लोग थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। और रेलवे का बात करें तो अभी रेलवे में एनटीपीसी का ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों का फॉर्म भरा रहा है, यानी कि जो लोग इंटर पास हैं वो लोग भी सीसीटीसी के लिए, ट्रेन कलर के लिए फॉर्म भर सकते हैं और ग्रेजुएट वाले भी स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर और चीफ टिकट कम इंस्पेक्टर्स इत्यादि पोस्ट आया हैं, उन सब के लिए भर सकते हैं। ग्रेजुएशन वाला का लास्ट डेट 13 अक्टूबर है, इसीलिए आप लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं कीजिए। आप बोर्ड वाइज अपने कैटेगरी के अनुसार सीट देख करके भर सकते हैं। और इंटर वाला का अभी उसका डेट है, इंटर में जो लोग 50% से ज़्यादा लाए हैं वही लोग भर सकते हैं एनटीपीसी का इंटर लेवल का पोस्ट, जो कि बहुत अच्छा पोस्ट है। आप टीटी बन सकते हैं इसमें आराम से। और जो लोग फॉर्म भरने वाले हैं एनटीपीसी, तो आप अपना कैटेगरी का सेंट्रलाइज जो सेंट्रल कास्ट है सर्टिफिकेट जो बनता है सेंट्रल का, वो आप बना लीजिएगा, क्योंकि अभी उसको अपलोड करने के लिए फॉर्म भरने के समय ही मांग रहा है। और अभी आप उसको अगर सेंट्रल कास्ट वाला सर्टिफिकेट फॉर्मेट वाला अगर बना के नहीं देंगे तो बाद में आपको बहुत दिक्कत हो सकता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाँट भी सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए आप अभी से ही फॉर्मेट वाला सीईओ से लेकर एसडीओ तक, यानी कि अनुमंडल तक कम से कम होना चाहिए, बना के ही आप अपलोड करें ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से बच सके। अगर अभी रिजेक्ट नहीं भी होगा तो बाद में आपका डीवी के समय वो छांट भी सकता है, इसीलिए आप फॉर्मेट पर कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें और ऑनलाइन करें, और लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करें, क्योंकि लास्ट डेट में कभी कभी सर्वर डाउन होने के कारण फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं, इसीलिए लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म को आप भर दीजिएगा। तो ये हो गया एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट का पोस्ट के बारे में अभी हम बात किए। इसके बाद अभी इंटर साइंस जो लोग क्वालिफाई हैं और आईटीआई पास हैं, क्योंकि पहले ही टेक्नीशियन का फॉर्म भरा जा चुका था, लेकिन फिर से सीट 5000 सीट बढ़ने के कारण दोबारा फॉर्म भरने का मौका दिया गया है, और जो लोग फॉर्म भर चुके हैं उनको दोबारा से आरआरबी यानी कि बोर्ड चॉइस करने का ऑप्शन दे रहा है। तो जो लोग आईटीआई कर चुके हैं वो लोग अपने ट्रेड के अनुसार सीट देख करके और कैटेगरी अनुसार सीट देख करके फॉर्म को भरेंगे, ताकि आपका सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं हो। और जो लोग इंटर में साइंस, मैथ, फिजिक्स रखे हैं वो लोग के लिए भी ऑप्शन है, जो पहले भरे थे वो तो बोर्ड चेंज कर ही सकते हैं, लेकिन अभी जो नया है जो नहीं भर सके थे वो लोग भी भर सकते हैं। प्लस टू वाले साइंस में जो फिजिक्स और मैथ रखे हैं वो लोग भर सकते हैं, तो अच्छा मौका है, क्योंकि फॉर्म पहले ही भरा जा चुका था लेकिन फिर से रीओपन हो रहा है, तो आप उसको भर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। इंटर प्लस टू वालों के लिए सिर्फ एक ही पोस्ट एलिजिबल है जिसमें सीट बहुत कम है, लेकिन आप अगर अच्छा से तैयारी कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, जो एक ही है टेक्नीशियन ग्रेड 3rd सिग्नल प्लस टू साइंस वालों के लिए है।
और बात करें एसएससी जीडी के बारे में, जो लोग अभी एसएससी जीडी का फॉर्म नहीं भरे हैं वो भी भर सकते हैं, क्योंकि इसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होगा। एग्ज़ाम इसका जनवरी फरवरी में संभावित है, तो मुझे लगता है जनवरी फरवरी में हो जाएगा, क्योंकि एसएससी अपने कैलेंडर के अनुसार ही चलता है लगभग। अब बात करें बिहार पुलिस के बारे में, जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आप लोग रनिंग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, रनिंग अच्छा से कीजिए, और जो लोग रनिंग नहीं कर रहे हैं आप लोग भी रनिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार मेरे दृष्टि से कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट भी 6 से 7 लाख स्टूडेंट है और सीट बहुत सारा है, 21,391 समथिंग है, और रिजल्ट देगा इस बार 21,000 का 5 गुना कीजिएगा तो 1 लाख प्लस रिजल्ट देने वाला है, यानी कि 6 लाख में 5 लाख ही छटेंगे, 1 लाख का रिजल्ट देगा, तो ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, पर सीट 46-47 आसपास है, तो आप लोग रनिंग अभी से तैयारी कीजिएगा तभी आपका मेरिट बनेगा, क्योंकि बिहार पुलिस में फिजिकल से ही मेरिट बनेगा, आप जितना फिजिकल में नंबर उठाएंगे, रनिंग में, गोला फेंक में, हाई जंप में, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, इसीलिए आप रनिंग रेगुलर कीजिए सुबह शाम, क्योंकि एग्ज़ाम का रिजल्ट देने के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोसेस इसका जल्दी ख़त्म करना है और फिर से दोबारा बिहार पुलिस का वैकेंसी आने वाला है, क्योंकि इलेक्शन से पहले सबको ज्वाइनिंग देना है, सरकार का बोर्ड के ऊपर सीएसबीसी के ऊपर दबाव है, इसीलिए आप रनिंग कीजिए। और अब बात करते हैं तैयारी के बारे में, तो तैयारी के बारे में जो लोग नया हैं तो आप लोग को हम यही कहेंगे कि आप लोग एक दो फॉर्म के चक्कर में नहीं रहिए, आप सबसे पहले आप फाउंडेशन को पूरा कीजिए, मैथ रीजनिंग और जीके जीएस को। मैथ रीजनिंग में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप कोई भी टीचर का फाउंडेशन कोर्स ले लीजिए या रिकॉर्डेड बैच ले लीजिए, उससे आप तैयारी को पूरा कीजिए, क्योंकि आपका चैप्टर वाइज फाउंडेशन नहीं रहेगा तो आपको एग्ज़ाम में कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जिसका चैप्टर वाइज कंप्लीट है आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप डेली एक सेट प्रैक्टिस कीजिए और उसका सॉल्यूशन अच्छी तरह से कीजिए। और अपकमिंग एग्ज़ाम में देखिए, सबसे पहले एएलपी का एग्ज़ाम होगा, लेकिन इसका डेट फिक्स नहीं है, तो आप लोग से यही कहना चाहूँगा आप लोग प्रतिदिन सेट प्रैक्टिस कीजिए। टेक्नीशियन का तो अभी फॉर्म से सबमिशन हो रहा है तो इसका डेट अभी लगेगा, आरपीएफ का भी एग्ज़ाम डेट नहीं है, अभी आया है, तो आप लोग को रेगुलर सेट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फाउंडेशन नहीं किए हैं तो आराम से रिकॉर्डेड बैच ले लीजिए, 2-3 महीना में फाउंडेशन भी आपका ख़त्म हो जाएगा रिकॉर्डेड बैच से, ठीक है। अपकमिंग में अभी फिर से ग्रुप डी भी आने वाला है, दिसंबर में है, अक्टूबर से दिसंबर में प्रस्तावित है, लेकिन मैं भी नवंबर तक में उसका फॉर्म आ जाएगा, तो आईटीआई वालों के लिए और ज़्यादा फायदा है, तो आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। सिलेक्शन लेने के बाद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे सिलेक्शन नहीं होने के से पहले आपको आर्थिक स्थिति में बहुत लगता है कि पैसा कहाँ से आएगा, तो आप भी तैयारी कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, अपना माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। जो लोग रेलवे में आने चाहते हैं तो देखिए, आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा रेलवे का आई कार्ड है, ये कार्ड आप लोग को इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी मोटिवेशन होइए, अच्छी तरह से मोटिवेशन हो के आप एग्ज़ाम दीजिए और सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन लेने के बाद आपका जितना इज्जत, आपका परिवार, समाज और सब जगह बढ़ेगा, उतना आपका बिना सिलेक्शन लिए हुए नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन के बाद ही लोग जानते हैं कि कितना महत्व है सरकारी और प्राइवेट का, क्योंकि प्राइवेट का तो आप लोग जानते ही हैं, कभी भी आपको हटा सकता है। इस तरह से आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी अगर डाउट हो वीडियो में, हम जितना भी चीज़ के बारे में बताएं आपको, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं, सिलेक्शन बारे में या और कुछ के बारे में कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।